हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक बहुत ही यूज़फुल नुस्खा लेके मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए। और इससे पहले जो है मैंने जो भी वीडियो डाले उसको आप सबने बहुत पसंद किया, तो मैंने सोचा क्यों ना और भी आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको और भी बेनिफिट मिले। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने कान के छेद को या नाक के छेद को बंद करना चाहते हैं तो आप ये उपाय जरूर करें, आपको जरूर फायदा होगा। और ये उपाय आप 1 वीक तक करेंगे तो भी आपको जो है कान और नाक जो भी आप बंद करें बहुत, क्योंकि अभी ऐसा फैशन आ गया है कि बहुत सारे जो लड़कियां हैं कान नाक में नहीं पहनना चाहती हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन कान बड़े हो जाते हैं उनके, बड़े इयर रिंग्स पहन पहन कर। तो आप इस वाले टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ये रेमेडी बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है गोंद। ये वही गोंद है जो हम लड्डू में बनाने में यूज करते हैं, और ये पंसारी की शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगा, किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे भी मिल जाएगा। विंटर्स में ये लड्डू में यूज होता है, और ये जो गोंद होता है उसके अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से चिपकने वाली उसके अंदर मटेरियल होता है, उसकी वजह से जो है ये चिपक जाता है। तो यहाँ पे हम एक जो है ईमानदास्ता ले लेंगे और उसके अंदर हमें ये गोंद डाल के और हमको इसका एक अच्छा सा पाउडर बनाना है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा पाउडर बना के भी अपने पास रख सकते हैं इसका एक अच्छा सा। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बना के रखना है। अगर आपको थोड़ा ही बनाना है तो आप इस तरह से कूट लीजिए। उसको अच्छे से कूट के इसका एक पाउडर फॉर्म में हमें लाना है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा कूट लिया है, उसके बाद हम इसको छान लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं होना चाहिए और ये इसका एकदम फाइन पाउडर होना चाहिए। तो देखिए, ये मैंने फाइन पाउडर बना लिया है एकदम। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें मिलाएंगे और उसके बाद हम इसका जो है बनाएंगे पेस्ट एक। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कोलगेट। कोलगेट जो होता है वो जो है कान के छेद को भरने के में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो यहाँ पे हम इन दोनों चीज़ों को मिलाएंगे, उसके बाद मिलाएंगे इसके अंदर बादाम का कुछ बूंदे डालेंगे क्योंकि जो स्किन होती है वो इसको लगाने से थोड़ी ड्राई हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे हम बादाम का तेल डालेंगे जिससे स्किन ड्राई ना हो। तो अब इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करना है हमें। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताने के लिए बना रही हूँ, और आपको जो है इसको जो है अच्छे से आप बना सकते हैं और ज़्यादा बना सकते हैं। और इसका पाउडर बना के आप रख लीजिए, जब आपको लगाना हो तो इस तरीके का पेस्ट थोड़ा सा लेके बना के और आप अपने कानों में लगा सकते हैं। तो अब इसका पेस्ट देखिए रेडी हो चुका है। इसको किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे। और अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं हो तो आप इसमें एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं। ये एलोवेरा जेल आपको पतंजलि के शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। तो ये देखिए मैंने ये बना लिया, और ये बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, 1-2 दिन तक इसका कर सकते हैं यूज। आपको करना क्या है कि इस तरीके से आपको इसको अपने, तो ये देखिए मटेरियल मैंने बनाया हुआ है, इसको हमें कान के होल में भरना है। भरना कैसे है? सबसे पहले हमें अपने कानों को साफ करना है अच्छे से। साफ करने के बाद उसको अच्छे से सुखा लेना है। सुखाने के बाद फिर ये जो हमने मटेरियल बनाया हुआ है उसको हमें भरना है। इसको करना कब है? इसको आपको रात में सोते समय करना है। जब आप सोने जाते हैं तो हमें इसको दोनों साइड से करके भर लेना है। अगर आपको लगता है कि आपके कपड़ों में लग जाएगा तो आप यहाँ पे टेप चिपका सकते हैं, तो उससे क्या है कि इधर उधर भी नहीं होगा और आसानी से जो है वो टिका रहेगा। उसके बाद मॉर्निंग में आप इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए नहाते समय, और उसके बाद वहाँ पे कोई भी क्रीम या एलोवेरा जेल आप लगा दीजिए। वैसे जो है
क्योंकि जो स्किन है वो थोड़ी ड्राई हो जाती है, इसलिए ये करना पड़ता है, तो वो कर लीजिएगा आप। तो ये था टिप्स जो कि आप अपना के अपने कान के होल के छेद को छोटा कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये जो गोंद होता है वो जो है चिपका देता है इस तरीके से। तो आपको करना क्या है कि जब आप इसको लगाते हैं, अगर आपका होल जो है अगर आप पूरा भरना चाहते हैं उसको, तो आपको क्या करना है, पूरे में भर देना है। और अगर आप जैसे कान, अगर आप नाक के छेद को भरना चाहते हैं तो पूरे को आप होल को भर दीजिए, तो वो पूरी आपकी नाक बंद हो जाएगी। और अगर आपके कान के छेद को अगर छोटा करना है तो आप इसमें भरने के बाद थोड़ी सी जगह आप उसमें छोड़ दें, और ताकि जो है वो आगे आगे जो है पूरा नहीं बंद हो, नहीं तो जो इसके अंदर हमने ये गोंद डाला हुआ है उसकी वजह से ये चिपक जाता है। तो हमें करना क्या है कि थोड़ा सा, या तो आप जब आप उसके पेस्ट लगाते हैं तो आप ये पतली सी कोई डंडी हो या कुछ हो तो वो आप उसमें डाल दीजिए, तो उससे पूरा बंद नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे बात करना है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी है pushplatakitchen15। तो इंस्टाग्राम मिलती हूँ मैं फिर अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।